किसरे से एक शख्स का वाक़ है जो कि इसने ज़िंदगी बहुत मुश्किल परेशानियाँ और बहुत ज़्यादा रंजिश में गुजारी, लेकिन जब वो इस दुनिया से इंतकाल फरमा गया, दुनिया से चला गया, दुनिया से रहलत फरमा गया, तो किस तरीके से वाक़ जो है वो उसके जानने वाले, उसके अहबाब, उसके अजीज़ के साथ पेश आए, किस तरीके से वो ख्वाब में आया, क्या वाक़ हुआ, साहिब ज़मान इमाम ज़माना कैसे कनेक्टेड इस पूरे सनारियो से, किस तरीके से इमाम मेहदी का इसमें इंटरसेशन हुआ, इन सब पे एक बहुत डिटेल वीडियो होने जा रही है। आप वीडियो करिए, इन सब पे आज हम लोग बात करेंगे। देखो सामने पर्दा उठा कर आ गए हैदर अली का जो अली है, वो मेहदी जो वली है, जो अव्वल आखरी है, उसी की खुसरवी है, वो है जहरा का दिलबर। बात का आगाज करते हैं तो आज आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा अलग माहौल है, थोड़ा सा अलग शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि रिजवान भाई हमारे साथ मौजूद है और वली भाई मौजूद है हमारे साथ। रिजवान भाई जो है ये पहली दफा जो है वो इस चैनल पे आ रहे हैं। रिजवान भाई एक बहुत मोमिन और मुखलिस शख्सियत है और वली भाई तो हमारे वली हैं ही, तो ये जाहिर सी बात है। तो मेन जो एजेंडा इस टॉपिक या फिर आप कह सकते हैं जो इस टॉपिक है यहाँ पे, मेन जो बात करने जा रहे हैं वो है कि एक शख्स जिसकी जिंदगानी, ज़ाहरी जिंदगानी जो है वो काफ़ी परेशानियाँ, काफ़ी मुश्किलात में गुजरी, काफ़ी उसने एक टेंस माहौल देखा हर तरीके से, लेकिन क्या कुछ हुआ उसके इंतकाल के बाद और किस तरीके से वो ख्वाब में आया, क्या हुआ पूरा वाकया, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के रेवोल्यूशन में किस तरीके से पेश आया, वो पूरा जो है वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के रेवोल्यूशन में और ख्वाब जो है वो बयान करेंगे रिजवान भाई, क्योंकि इनके ख्वाब में वो शख्सियत जो है वो आएंगे, उनके मुताबिक थोड़ा सा बैकग्राउंड भी दे देंगे। और अब मैं जो है वो माइक रिजवान भाई को देना चाहूँगा और रिजवान भाई जो है इसके आगे फिर पूरा वाकया जो आपके सामने पेश करेंगे, पूरा वाकया आप ज़रूर सुनेंगे क्योंकि इसके अंदर कुछ महसूस होने वाली बात, कुछ ऐसी बात जो कि सही में इंसान को दहला दे कि कोई देख ना देखे साहिब ज़मान देखता है। तो फिर अब जो मैं ऑडियो है वो रिजवान भाई को दे रहा हूँ। रिजवान भाई प्लीज़ आप वो वाक़े जो है वो पूरा आराम से आप सुनाए। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका फराहम किया। और वो वाक़ा कुछ इस तरह पेश आया कि ये शख्सियत जिनका नाम मरहूम रेहान हादी है, तो उनका इंतकाल सितम्बर के महीने में 2021 में हुआ था। और ज़ाहरी तौर पर जितना मैं जानता था, उनकी ज़िंदगी बहुत ही कसीर वक्त तक एक परेशानियों से गुजरे। वो उनके छोटे भाई का इंतकाल, फिर उनकी वालदा का इंतकाल, फिर उनका नौकरी का चला जाना, फिर उनकी तबीयत का ख़राब होना, और उसके बाद जब हालात कुछ बेहतर होते नज़र आए, उसके बाद फिर एक लाइलाज बीमारी में मुब्तला होने के बाद उनका इंतकाल हुआ। तो बहुत शदीद परेशानियों से उनकी ज़िंदगी गुजरी के जो किसी आम शख्स पे, एज इन किसी भी और शख्स पे अगर होती तो शायद कुछ हाल और ही पेश आता। लेकिन चंद दिन पहले, चंद रोज़ पहले मैंने उनको ख्वाब में देखा। वो जहाँ पे तशरीफ़ रखे थे वो एक घर था, तो घर मेरा वहाँ पे आना जाना आज भी है। तो वहाँ वो तशरीफ़ रखे थे, एक नीले रंग के कुर्ते में थे और वो कुछ खाना नौश फरमा रहे थे। और मैं उनके पास गया तो मैंने ख्वाब में देखा कि मैं घर के अंदर गया और मैंने उनको बैठा देखा, वो कुछ नौश फरमा रहे थे। तो जब मैंने ये देखा तो मेरी हालत कुछ अजीब हो गई कि मरहूम वापस कैसे आ गए, मरहूम हमारे दरमियान कैसे आ गए। फिर जब उन्होंने मुझसे कुछ कलाम करना शुरू करा, मुझे मेरी खैरियत पूछी, तो मुझे लगा कि नहीं, जो भी है सूरत हाल मेरे सामने है और जो भी मौला का करम, साहिबुज़्ज़मान का करम है कि ये वापस हैं, वापस आ गए हैं। और फिर उन्होंने मुझसे कलाम करना शुरू करा और वो कुछ इस तरह उन्होंने बयान किया कि जब ये सब पूरा इंतकाल का मामला हुआ तो मैं परेशानी में था, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल करा कि मैं परेशानी में था। और उसके बाद ये हुआ कि कुछ वक्त तक परेशान रहने के बाद अब जैसे भी, लेकिन उन्होंने मुझसे ये बयान करा कि इमाम मेहदी साहिबुज़्ज़मान, उन्हीं ने उनकी मदद के तौर पर, उनकी मदद के लिए उनकी नमाज मगफरत पढ़ी, उनकी नमाज मगफरत अदा करी। और उसके बाद ये बस कहना था और जो उनके चेहरे का हाल बदल गया, जो मुस्कान आ गई, उसी से अंदाज़ा था कि उनके हाल बदल गए, हाल खुल गए। और वो खुदा वंदे मुताल का शुक्रगुजार हूँ और चादा मासूमीन का शुक्रगुजार हूँ, मौला का शुक्रगुजार हूँ कि वो आज एक बहुत ही अच्छी जगह पर हैं, बहुत ही बेहतरीन, इन दुनियावी मसले मसाइल परेशानियों से दूर और एक बहुत ही बेहतरीन जगह पर हैं। और जितना भी शुक्र हुज्जत है खुदा इमाम उस्मान का,
अदा किया जाए बेशक कम है, और लफ्ज़ ब लफ्ज़ मैं ज़िम्मेदारी लेते हुए जो कि मैंने ख्वाब में समझा बात को, उसको मैं ज़िम्मेदारी के साथ बयान कर रहा हूँ कि उनके अल्फाज यही थे कि इमाम ज़माना ने उनके लिए नमाज मग़फ़िरत पढ़ी, और उसका मफहूम जो मैंने समझा वो ये कि उनकी मदद के तौर पर उनके लिए नमाज मग़फ़िरत अदा करी। और रही बात उनकी दुनियावी ज़िंदगी की, तो उसका कुछ आउटलाइन मैं ऐसे देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत कम उम्र पे अपने एक सगे भाई का इंतकाल देखा जिनकी उम्र 22 साल थी, और उसके कुछ अरसे बाद उनकी वालदा एक तवील बीमारी में मुब्तला हो गई जिसके चलते उनकी जो मरहूम गुजरे हैं उनकी नौकरी चली गई, और शादीशुदा हैं, आज भी उनकी बेटी है माशाल्लाह। और आगे चलते हुए ये हुआ कि फिर वो कुछ महीनों तक बीमारी में मुब्तला रहे, एक साल हो गया था वो कुछ खा नहीं पाते थे, और उसका ऑपरेशन कराया गया, बहुत मेजर ऑपरेशन था, उससे वो रिकवर हुए फिर उन्हें नौकरी की तलाश शुरू करी और अल्लाह ने उनको एक बेहतरीन नौकरी से नवाजा। और ये नौकरी जाते हुए मुश्किल से 3-4 दिन हुए होंगे कि उनकी पीठ में दर्द होना शुरू हुआ, और उस महीने के आखिर तक सितंबर में ही आखिर तक पता चला कि उनको एक लाइलाज बीमारी है और जिसके चलते उनका इंतकाल हुआ। लेकिन इस बात से इस पूरे वाक़े से जो मैंने मफहूम निकाला कि कोई ना हो जिसका कोई ना हो, बेशक उसका खुदा है और बेशक उसके हमारे मासूमी हैं। मतलब ये जो वाक़े आपने सुना, ये मतलब देखिए मौला कितने करीब हैं, वो आ जाते हैं वो मदद करने, मतलब बंदा कितना गलीस तरीन नजिस कैसा भी हो लेकिन उनकी करीबी के आगे सब कम है, मतलब आप वली भाई खुद महसूस करें। अच्छा ये जो जनाब का वाक़ा सुना रहे थे, मैं ऐसा पूछना चाहूँगा कि कुछ लोग समझते हैं कि इमाम की मारफत और मग़फ़रत और नज़दीकी और दीगर जितनी भी क़ुर्बत हासिल करने के लिए आपका 5 वक्त नमाजी मुस्तहब का एकदम ऑब्लिगेटरी के साथ उसको आप मैंडेटरी समझ के करें, कुरान के हाफिज, कुरान रटा होना चाहिए, सजदों के निशान माथे पे होना चाहिए वगैरह दीगर, इन जनाब जो थे ये किस तरीके के शख्स थे अपनी जिंदगानी में, क्या इनका अटायर था, क्या इनके ट्वीट्स थे, थोड़ा सा इनके बारे में जितना आपके साथ एक्सपीरियंस रहा वो फरमाएं कि किस तरीके से शख्स थे। बेहतर, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इस पस मंज़र को हाल में रखते हुए ये बहुत ही अच्छा सवाल है। तो मैं कुछ भी बयान करने से पहले मैं ये बता दूँ कि इनकी जो दो ख़ास बातें थीं उसमें से एक ये कि ये बहुत ही नेक दिल थे, बहुत ही मुफलिस शख्स थे, बस अपनी ज़रूरत के मकदार के हिसाब से जो भी कमाते थे खर्च करते थे। और दूसरी इनकी ख़ास बात ये थी कि ये पहले शख्स ऐसे थे जब से मैंने होश संभाला अपनी ज़िंदगी में, पहले शख्स ऐसे थे कि मैंने जिनको देखा जो वाकई दूसरों के लिए वो पसंद करते हों जो अपने लिए अच्छा समझते थे। और इनके मुफलिस होने के, इनके नेक होने के चर्चे आस पास के ही इलाके में ये रहते थे और हर कोई गवाही देता है, हर कोई आज तक इस बात की गवाही देता है कि कुछ हो ना हो वो एक बहुत ही नेक दिल शख्स थे जिनसे बात करके लोग पुरसकून हो जाते थे कि हाँ ये मुझे सही राय देगा, मुझे सही हिदायत देगा। और रही बात उनकी ज़ाहरी ज़िंदगी में वाजिबात और मुस्तहबात को बजा लाने की, तो वो नमाज के पाबंद थे और बीमारी के अलावा जब तक बीमार नहीं थे तब तक उनकी पूरी कोशिश रहती थी कि वो माह रमज़ान मुबारक के रोज़े बजा लाएँ, अपनी हसब हैसियत, अपनी हसब कोशिश, उनकी पूरी कोशिश रहती थी कि वो रोज़े बजा लाएँ। तो मतलब जितना आप फरमा रहे जितना मैं समझ पा रहा हूँ और आपने जो फरमाया कि दिल उनका बहुत साफ था, बहुत शफाफ था, बहुत नेक था, और उसके साथ जो भी अहकाम शरीयत थे वो भी वो बजा लाते थे, ऐसे ही था। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि कुरान 24 घंटे पढ़ रहे हैं, सजदों के निशान माथे पे हैं, मतलब जो एक की बना मौला से मिलने के लिए बना दिया गया कि आपको इन सब को फॉलो थ्रू करना होगा तब जाके चांस है कि आपका बनता है, ये एक है नज़रिया। और एक नज़रिया है कि मौला से बेपनाह इश्क, बे इंतहा इश्क, बे लॉस इश्क हो, और फिर सिलसिला जो है वो आगे चलता चला जाता है। मतलब इस तरीके दो नज़रियात इस वक्त मिलते हैं, लेकिन वही वाली बात है ना कि शरीयत का पाबंद होना ज़रूरी है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ चलता नहीं है, उसमें कोई वो चीज़ चलता नहीं है, लेकिन इश्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रिजवान भाई भी कहते हैं कि इश्क के मामलात और हैं और
दुनिया के निज़ामी मामलात और दीगर मामलात और वली भाई से मैं इस बार कुछ कहना चाहूँगा कि वली भाई इस वाक़े में जो रिजवान भाई की बरकत से हमने सुना, आप कोई जनाब के मुतालिक पूछना चाहेंगे या फिर इस वाक़े की रोशनी में कोई सवाल करना चाहेंगे या फिर इसका कोई आपको सवाल अगर बनता तो आप प्लीज़ करें? नहीं, इसका मेरा कोई सवाल तो नहीं बनता, मगर ये कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस बात से मुझे कि काफ़ी के इंसान को ना तो कोई ज़रूरत है कि पांच वक्त का नमाजी रहे, ना तो कुछ कोई ज़रूरत है कि कुरान हिफ्ज़ रखे, बस ये कि कॉमन नॉर्मल जो चीज़ें हैं उनको बजा लाए उनको, मतलब ठीक है बहुत ज़्यादा नहीं उस पर फोकस कर पाता, मगर ये कि उसको तर्क मत करें, उस पर अदा ज़रूर करें, और जितना मैंने ये सीखा और देखा इनसे और बाकी इनके वाक़े की बरकत से बिल्कुल हकीकत चाहिए। जी मैं फिर एक दफ़ा दोहरा दूँ कि कहीं भी ऐसा तासुर ना जाए कि आपको शरीयत का पाबंद होना लाजमी है। एक बहुत मशहूर शेर है जो कि आरिफ के लोगों में बहुत कहा जाता है कि बा खुदा दीवाना बा शरीयत होशियार, यानी कि आपको शरीयत का पाबंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके अहकामात को बचा लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर मौला की राह में उनके इश्क में आप फना होते चले जाएँ, वो तो फना फिर लाए उसमें तो आप खोते चले जाएंगे, उनके होते चले जाएंगे, वो आस आएंगे, वो पास आएंगे, आपको गले से लगाएंगे, अपने पास बिठाएंगे, बुलाएंगे, सहराएंगे आपका सर, सब कुछ करेंगे, लेकिन शरीयत की पाबंदी ज़रूरी है। और मौला ही कहते हैं कि नेक दिल, साफ नियत और गुनाहों से परहेज, ये तीन चीज़ें जो हैं ये अगर आप करते हैं, जिसमें से थर्ड पॉइंट जो है इन्होंने खुद हाईलाइट कर दिया, देखिए ये तीन चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, ये मौला ने फरमाया है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हैं। और सही में वाकया जो है वो मतलब आज भी मतलब लोग ऐसा समझते ना कि मुलाकातें नहीं होती, आज भी इसी शहर में मौला से लोगों की मुलाकातें होती हैं, लेकिन जो मिलता है वो बताता नहीं, जो बताता है वो झूठा, झूठ की कोई बुनियाद ही नहीं। तो जो क्लोजिंग रिमार्क्स हैं वो मैं रिजवान भाई आपसे लेना चाहूँगा इस वाकये की बरकत से, और इंशाल्लाह फिर इसे इख्तिताम की तरफ चलता हूँ। जी क्योंकि वीडियो का इख्तिताम हो रहा है और कुछ चीज़ें जो मैंने समझी और इस वाकये को मद्देनज़र रखते हुए मैं लोगों से और सबसे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सिर्फ एक ही गुजारिश करता हूँ, और आप सबसे ये भी गुजारिश करूँगा कि हम सब के लिए दुआ करें कि वो बहुत जल्द आने वाला है और जल्द अज जल्द हमारी असल ईद वो होगी कि जो हम खाने काबा में उनके पीछे सफ में नमाज अदा करेंगे। और इस बात की मैं इस वाक़े के मुतालिक मैं ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि आपके जो भी सवालात हों आप चाहे वीडियो के कमेंट्स में एड्रेस करें, पॉसिबली मैं उन पर रिप्लाई करूँगा, और उसके अलावा और भी किसी तरह की तहकीकात हो इस वाक़े के मुतालिक, बेशक ये ख्वाब मेरे ही नज़र में आया है, मुझे ही पेश आया है और मुझे पता नहीं कि उनके और अजीज़ व अकारिब किसके पास पेश आए, मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन चूंकि मेरे सामने पेश आया तो मैंने उस्ताद से बयान करना बेहतर समझा। और इसके अलावा इन जो शख्स गुजरे हैं जिनका ये वाकया है उनके मुतालिक मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि वाजिबात में जितने भी वाजिबात हैं फिक के पैमाने हर चीज़ में आप ये पाएंगे कि उन चीज़ को एक मकदार में अंजाम देना है, नमाज है नमाज पंजे गाना है, रोज़े हैं रमज़ानुल मुबारक के वाजिब हैं उसके बाद मुस्तहब हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज़ ऐसी है कि जहाँ पे खुदा वंद मुताल ने खुद भी कोई पैमाना नहीं रखा है, वो इश्क अहले मोहब्बत, बस क्योंकि कोई पैमाना नहीं है, बे इंतहा करें बार बार करें और इतना इश्क करें कि बेशक उनके इश्क में फना होने की कैफियत आ जाए, और महज आप इनसे बेहतर सुन चुके हैं। बहुत आपने ज़बरदस्त फरमाया, मतलब मैं इनसे मतलब बहुत सीखता हूँ, वली भाई से बहुत सीखता हूँ, तो बस ये सिलसिला है इस वीडियो का, जो पैगाम है जो पैमाना है वो ये है कि लोगों को बेदार के तैयार करें, इस बात पे एतबार करें, बार बार करें, लगातार करें, हज़ार बार करें कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है, तैयार हो जाए इस बात पे एतबार हो जाइए, बार बार हो जाइए कि मेरे इनके और सबके मौला जो हैं वो आने वाले हैं और वो बहुत जल्द आने वाला है, वो ऐन मौका आके खड़ा हो गया, आपको वक्त नहीं मिलेगा, तब्दीलियाँ अभी से करना शुरू कर दे वरना तब्दील ना हो पाएंगे और बाद में जलील हो जाएंगे। याद रखिए तू नहीं है बस वही हुई है, खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो, खुदा हाफिज़।